झारखंड हिलाए दिले हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। तो आप लोग पिछले ब्लॉग में कुछ देखे होंगे, मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, इस कारण ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो गाइस, ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेतर हाट से। तो हम लोग सुबह चले थे अप्रोक्स 6 बजे और अभी कितना 9 या 10 बज रहे होंगे। तो हम लोग अभी हैं नेतर हाट में। हम लोग जिस होटल पे स्टे किए हैं उस होटल का नाम है होटल सनराइज। तो भैया लोग अभी इधर आ रहे हैं और हम लोग को अभी जाना है घूमने, इस कारण आप लोग को अभी होटल नहीं दिखा पा रहे हैं। तो भैया लोग का कार रहा वो, तो भैया लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है, उसके बाद आप लोग को होटल दिखाएंगे हम लोग किस होटल पे रुके हुए हैं। तो गाइज, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और आप लोग को दिखाते हैं हम लोग कौन कौन यहाँ पे आए हुए हैं। तो मज़ा आने वाला है, ब्लॉग पे बने रहिएगा। गाइज देखिए, हम लोग पहले जो पहला प्लेस जो हम लोग विजिट करने आए हैं वो है कोयल व्यू पॉइंट। तो गाइज चलिए चलते हैं, और मेरे साथ अभी कौन है आप लोग को दिखाएं। परम सुंदरी है गाइज, आप लोग जान गए होंगे हम कौन है। तो ये हम हैं। चलो देखिए, श्रेया भी हमारे साथ में और बाकी और भी लोग हैं। आप लोग ब्लॉग में रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन है। देखिए मस्त पेड़ दिख रहा है। हाँ, ये सब पेड़ ना बहुत सुंदर लगता है। नहीं पता, गूगल में सर्च करते हैं। तो गाइज ये रहा कोयल व्यू पॉइंट का सीन, जो काफी सुंदर लग रहा है। इस पेड़ का पता नहीं नाम क्या है, आप लोग को मालूम होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इधर देखिए कौन है, श्रेया। हाय बोलो श्रेया। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? नाम श्रेया सुमन। चलो और ये रहा, देखिए आप लोग बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। दिल तो बच्चा है। गाइज हम लोग यहाँ पे तो घूम लिए, पता नहीं नेक्स्ट लोकेशन कहाँ है। कहाँ है मैम? क्यों बता? हम नहीं बता। पता नहीं कहाँ पे जाना है, देखते हैं। सफर का ही था मैं, सफर का रहा। तो ये रहा गाइज हम लोग का सेकंड लोकेशन, अपर घाघरी। तो यहाँ के जो दादाजी थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे एक छोटा सा झरना है, उसी को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग चलिए बने रहिए वीडियो पे। तो ये रहा गाइज खतरनाक वाला रास्ता, बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा, नहीं तो गिरेंगे तो जाएगा, हड्डी टूटेगा नहीं। और आप लोग पानी का दबाव सुन ही रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। श्रेया श्रेया श्रेया, क्या है? तो ये रहा गाइज नेतर हाट का ऊपर घाघरी का कुछ सीन। यहाँ पे नहाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आप लोग देखिए इधर खतरनाक पानी बह रहा है, मस्त पानी दिख रहा है, ब्लू ब्लू। हाउ इज द जोश मैम? तो गाइज हम लोग यहाँ पे तो घूम लिए हैं, अब बताओ नेक्स्ट कहाँ जाना है? लेक जाना है, कुछ लेक है। क्या लेक है? क्या पता नहीं गाइस, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए कहाँ जाएंगे, जाएंगे तब पता लगेगा। क्या दिल ने कहा क्या तू। तो गाइस हम लोग आए हैं, जो हम लोग का तीसरा लोकेशन हुआ है नेतर हाट रेसिडेंशियल स्कूल। और इधर देखिए चारों तरफ पेड़ लगा हुआ है, तो कितना मस्त ग्रीनरी दिख रहा है। और रहा उधर स्कूल, अब पता नहीं उधर अंदर घुसना अलाव है कि नहीं, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। रहा कुछ कॉलेज का सीन, यहाँ तो घुसना अलाव नहीं है, आप लोग इधर बाहर से ही देख रहे हैं। हम लोग काफ़ी अच्छा, अंदर फूल वगैरह लगा हुआ है, मस्त लग रहा है। तो गाइज ये रहा हम लोग का लास्ट लोकेशन नेतर हाट का सनसेट पॉइंट। और यहाँ तो दो ही चीज फेमस है, सनसेट और सनराइज पॉइंट। हटो तुम वहां से। तो गाइज देखिए बहुत सारा भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोग आए हुए हैं, स्कूल से भी आए हैं, कॉलेज से भी आए हैं। तुम कहाँ से आई? कौन है तुम? निकलो 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 निकलो। तो गाइज चलते हैं फटाफट से, हम लोग भी देखते हैं सनसेट।
तो इसी बीच हमें दिख जाता है छोटा सा होटल जहाँ मस्त गर्मा गर्म पकौड़ी एवं ब्रेड चॉप बनाया जा रहा था। तो थोड़ा हम लोग बहुत खा लेते हैं क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे थे। उसके बाद हम लोग चलेंगे सनसेट देखने के लिए। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। यहाँ इतना काफी ज्यादा भीड़ था कि हम लोग अच्छा से नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग कार की ओर आए तो यहाँ से मस्त दिख रहा था सन। तो अब चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है गाइस। चलो गाइस अब सीधा मिलते हैं, बकरी चारों अब सीधा रूम में मिलते हैं। तो गाइस देखिए अभी हम लोग बकरी चराने हैं। गाइस हम लोग पूरा दिन भर घूमने के बाद आ गए हैं अपने होटल पे, और ये रहा हम लोग का होटल जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं। तो चलिए आप लोग को हम रूम दिखाते हैं। गद्दारी करूँगी तो हे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का दूसरा दिन है नेतर आर्ट में, और अभी समय 5:30 बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है। हाँ भाई, और अभी हम लोग को जाना है सनराइज देखने के लिए, और सब कोई देखिए उधर रेडी हो रहे हैं। बस हेलो सब कोई, बस मेरा छोड़ के। हाँ क्योंकि तुम आलसी हो, हम तुरंत 5 मिनट में रेडी होते हैं, दिखाते हैं हम लोग को तुरंत से। सो गाइस हम 5 मिनट में रेडी हो गए हैं, और ये रहा हम लोग का रूम जो हम लोग आप लोग को रात में नहीं दिखा पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। इधर देखिए उमड़ रही है जाने के लिए, चल चल लॉक कर, पकड़ो गाइस। और हम लोग अभी सुबह सुबह रूम से निकल चुके हैं और चलते हैं सनराइज पॉइंट की ओर। हम लोग के लिए छोटका गेट खुला हुआ है, और उधर रहा मस्त पानी का झरना। तो आप लोग इधर देख ही सकते हैं कितने लोग आए थे सनराइज़ देखने के लिए। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ था, और जहाँ सनराइज़ पॉइंट था वहाँ तो और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग कहीं पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं सनराइज़। लग रहा है पूरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा। तो गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं सनराइज़ पॉइंट पे, लेकिन सनराइज़ हो गया है पहले। हम लोग को यहाँ जगह नहीं मिला था। हाँ रे देखना, इतना भीड़ था इस कारण हम लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाए। सो गाइस हम लोग अभी सनराइज पॉइंट घूम लिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की ओर, और वो रहा सनराइज पॉइंट का एरिया। और अभी हम लोग का प्लान है लोध वाटरफॉल जाने का, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल रूम चलते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। और हम लोग जहाँ स्टे किए हैं वहाँ से लोध वाटरफॉल है 60 किलोमीटर, उसके बाद पता नहीं देखेंगे, अगर कुछ उधर अच्छा जगह होगा तो उधर भी घूमेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं रूम, और ये रहा इधर का माहौल सीन, और क्या बोले, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के, ठंडा लगा मस्त मस्त। रूम से चेकआउट करने के बाद आ गए हैं इधर देखिए नेतरहाट का एंट्रेंस पॉइंट पे, और इधर हम लोग का नाश्ता बन रहा है झारखंड का। तुम क्या खा रही? तुम नहीं है भाई, झारखंड की नहीं है तुम। और देखते हैं कब तक बनता है, उसके बाद हम लोग दबाते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। लॉर्ड फॉल 59 किलोमीटर। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे, तो गाइज आप लोग ये बोर्ड देखिए, और आप लोग को पता लग ही गया होगा हम लोग पहुंच चुके हैं लोध वाटरफॉल, जो झारखंड का सबसे बड़ा और ऊंचा वाटरफॉल है लोध फॉल। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। धन धन रे धन हमर छोटा नागपुर,